तो देखो आज हम लोग करेंगे सम नंबर 20, ठीक है, रॉय एंड कंपनी वाला सम्स। तो ये जो सम्स है इसका जो क्वेश्चन है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक से आप क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट सम नंबर 20, ठीक है। डेप्रिसिएशन ये टॉपिक है, टॉपिक का नाम है डेप्रिसिएशन, बीकॉम सेमेस्टर 1 के लिए क्लास है। रॉय एंड कंपनी परचेज द मशीन, एक मशीन परचेज कर रहा है जिसका कॉस्ट कितना है 1 लाख रुपया, ठीक है। एक मशीन परचेज किया जिसका कॉस्ट कितना है 1 लाख रुपया, कितना तारीख को खरीदा 1 जनवरी 2016 को। इसका मतलब कंपनी जो है वो मशीन परचेज कर रहा है 1 जनवरी 2016 को, कितने का मशीन परचेज कर रहा है 1 लाख रुपए का मशीन परचेज कर रहा है। उसके बाद क्या लिखा है क्वेश्चन में, 1 जून को इट परचेज अनदर मशीन, दूसरा मशीन परचेज कर रहा है 1 जून 2016 को मशीन 2, कितने परचेज कर रहा है 60,000 में। तो पहला मशीन उसने परचेज किया है 1 लाख रुपया में 1 जनवरी को, और दूसरा मशीन उसने परचेज किया है 1 जून 2016 में 60,000 रुपया में मशीन 2 परचेज किया है। ऑन 1st March 2017 रॉय एंड कंपनी सोल्ड द सेकेंड मशीन, ठीक है। डेट ऑफ सेल क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, डेट ऑफ सेल दिया हुआ है 1st March 2017 को रॉय एंड कंपनी ने सेकेंड मशीन भेज दिया है, विच वॉज परचेज ऑन 1st June 2016, जो उसने परचेज किया था 1st June 2016 को, कितना ही परचेज किया था 50,000। मतलब ये मशीन का, ठीक है, मतलब ये वाला मशीन सेकेंड मशीन का एक पार्ट उसने भेज दिया, ठीक है, एक पार्ट उसने भेज दिया जिसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना था 50,000। इसका मतलब जो मशीन सेल हो रहा है उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना है 50,000, और वो कितना में सेल हो रहा है, एंड ऑन द सेम डे परचेज अनदर मशीन, ठीक है, उसी दिन एक और नया मशीन परचेज कर रहा है, सॉरी सेल प्राइस है 50,000 और सेकेंड मशीन उसने भेज दिया जिसको परचेज किया था 60,000 में, उसने उसको सेल आउट कर दिया 50,000 में। उसी दिन वो एक नया मशीन परचेज कर रहा है, मशीन 3 M3 कितने का है 54,000 का है। पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 जनवरी 2016 को पहला मशीन खरीदा 1 लाख रुपया का मशीन 1, फिर 1 जून 2016 को दूसरा मशीन खरीदा 60,000 रुपया में मशीन 2, फिर 1 मार्च 2017 में उसने सेकेंड मशीन सेल आउट कर दिया, सेकेंड मशीन बेच दिया, कितना है बेचा है 50,000 रुपया में। तो मशीन खरीदा था 60,000 में, बेचा है 50,000 में, तो ऐसा लग रहा है कि 10,000 का लॉस है, बट 10,000 का लॉस नहीं है। रीजन ये है डेप्रिसिएशन भी हुआ है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे फिर पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। और सेम डेट पे 1 मार्च 2017 को उसने थर्ड मशीन परचेज कर लिया। क्वेश्चन में लिखा है रॉय एंड कंपनी कैलकुलेटेड डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% अंडर द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जिसका दूसरा नाम होता है रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, WDV मेथड, ठीक है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। द अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस वर क्लोज एवरी ईयर ऑन 31st December, ईयर एंडिंग कब होता है 31st December को ईयर एंडिंग हो जाता है। हम लोग को क्या प्रिपेयर करना है, मशीनरी अकाउंट बनाना है फॉर द 2 years, 2 साल का हमको मशीनरी अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडिंग 31st December 2016 एंड 31st December 2017, 2 साल का हमको लेजर बनाना है। तो अगर ईयर एंडिंग हो रहा है 31st December को, तो ईयर का बिगिनिंग कब होगा 1st January, ईयर का एंडिंग हो रहा है 31st December को, तो ईयर का बिगिनिंग कब होगा 1st January। तो स्टार्ट करते हैं, हम हेडिंग दे देंगे इन द बुक्स ऑफ रॉय एंड कंपनी, कॉपी में हेडिंग दे देंगे इन द बुक्स ऑफ रॉय एंड कंपनी। उसके नीचे ledger, उसके नीचे machinery account, in the books of Roy and Co, उसके नीचे ledger, उसके नीचे machinery account, in the books of Roy and Company, उसके नीचे ledger, उसके नीचे machinery account, debit credit, date, particulars, journal folio, amount, again date, particulars, journal folio, amount. So date, particulars, journal folio, amount, date, particulars, journal folio, amount. Thank you.
टेक पर्टिकुलर जर्नल फॉर योर अमाउंट, टेक पर्टिकुलर जर्नल फॉर योर अमाउंट, ये हमारा फॉर्मेट है। हेडिंग रहेगा इन द बुक्स ऑफ रॉयल कंपनी, उसके नीचे लेजर, उसके नीचे मशीनरी अकाउंट, टेक पर्टिकुलर जर्नल फॉर योर अमाउंट, टेक पर्टिकुलर जर्नल फॉर योर अमाउंट। क्वेश्चन में चेक करो, रॉयल कंपनी ने पहला मशीन कब खरीदा है? 1 जनवरी 2016। देखो डेप्रिसिएशन चैप्टर में डी से डेट, ठीक है, डी से हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा, तो ध्यान देना बहुत जरूरी है डेप्रिसिएशन चैप्टर में, डी से डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट डेट क्या है बताओ, करना बताओ, फर्स्ट डेट क्या दिया हुआ है? 1 जनवरी 2016। तो 1 जनवरी 2016 फर्स्ट डेट दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2016 जनवरी का 1 तारीख। मशीनरी हमारा एसेट है, और एसेट का होता है डेबिट बैलेंस, हमने एसेट परचेज किया तो एसेट डेबिट हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट। और लोग पेमेंट करेंगे, किससे पेमेंट करेंगे? चेक से पेमेंट करेंगे, कैश में पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट करेंगे तो हमारा बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा, बैंक हमारा एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस, एसेट कम हो जाएगा तो एसेट को क्रेडिट कर देंगे, तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो लिख देंगे, पोस्टिंग कर देंगे टू बैंक, मशीनरी अकाउंट का डेबिट में लिख देंगे टू बैंक, नीचे डैश देख लिख देंगे M1। पहला मशीन कितना में खरीदा है? पहला मशीन परचेज किया है 1 लाख रुपया में, टू बैंक, नीचे डैश देखिए M1। पहला मशीन परचेज किया है 1 लाख रुपया में, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख रुपया, क्लियर। अच्छा उसके बाद देखो, जून का 1 तारीख में दूसरा मशीन परचेज किया है, लिख देंगे टू बैंक M2। कितना में परचेज किया है? 60,000 रुपया में, 60,000। जून का 1 तारीख में 1 जनवरी 2016 को पहला मशीन परचेज किया और 1 जून को दूसरा मशीन परचेज कर लिया, कितने परचेज कर लिया? 60,000 में। तो पहला मशीन परचेज किया 1 जनवरी 2016 को 1 लाख में, दूसरा मशीन परचेज किया 1 जून 2016 को 60,000 में, मतलब 2016 में हमारे पास एक मशीन था कि दो मशीन था? दो मशीन था। पहला मशीन कब परचेज किया? 1 जनवरी को, तो पहला मशीन के ऊपर 2016 में 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक 12 महीने का डिडक्शन होगा। पहला मशीन कब परचेज किया? 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर। क्यों 31 दिसंबर? क्योंकि ईयर एंडिंग कब है? 31 दिसंबर, ईयर एंडिंग हो रहा है 31 दिसंबर, इसलिए पहला मशीन 1 जनवरी को परचेज किया, 31 दिसंबर तक 12 महीना कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला मशीन के ऊपर 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक 12 महीना का डेप्रिसिएशन, बट सेकंड मशीन पर कब परचेज किया? 1 जून को, तो 1 जून से लेकर 31 दिसंबर तक 7 महीना का डेप्रिसिएशन, 1 जून से लेकर 31 दिसंबर तक सेकंड मशीन के ऊपर 7 मंथ्स का डेप्रिसिएशन, 7 महीना का डेप्रिसिएशन आएगा। अब डेप्रिसिएशन का जर्नल एंट्री क्या होता है? डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस होता है, तो डेप्रिसिएशन को डेबिट कर देते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन को डेबिट, एंड ड्यू टू डेप्रिसिएशन मशीन का वैल्यू कम हो जाता है, मशीन हमारा एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस, एसेट कम हो जाएगा तो एसेट को क्रेडिट कर देंगे, तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, जर्नल एंट्री हो जाएगा डेप्रिसिएशन टू मशीनरी, तो मशीनरी का लेजर में पोस्टिंग आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन 2016 दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन, ब्रैकेट में लिख देंगे वर्किंग नोट वन। डेप्रिसिएशन चैप्टर में वर्किंग नोट शो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्किंग नोट वन। तो हम लोग क्या करेंगे, करीब हम लोग पूरा सम बनाने के लिए, देखो यहां से लेके पूरा सम बनाने के करीब 10 लाइन का स्पेस छोड़ देंगे, ठीक है, 10 लाइन, 2 साल का लेजर बनाना है तो 8 से 10 लाइन का स्पेस छोड़ देना, मतलब ये 1 साल का लेजर है, ऐसे एक और साल का लेजर बनेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली सम बनाने के लिए अप्रोक्सीमेटली 10 लाइन का स्पेस छोड़ देंगे, 10 लाइन का स्पेस छोड़ के बनाएंगे वर्किंग नोट वन, 10 लाइन का स्पेस छोड़ के हम लोग बनाएंगे वर्किंग नोट वन, कैलकुलेशन फॉर डेप्रिसिएशन, 10 लाइन का स्पेस छोड़ के बनाएंगे वर्किंग नोट वन, कैलकुलेशन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन M1। पहला मशीन कितने का है? मशीन वन जो है वो 1 लाख रुपया का है, जो मशीन वन है वो 1 लाख रुपया का है, क्लियर, मशीन वन जो है वो 1 लाख रुपया का है। और डेप्रिसिएशन का रेट कितना बताया क्वेश्चन में? डेप्रिसिएशन का रेट बता दिया है 20%, और पहला मशीन हमने 1 जनवरी को खरीदा है, तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीना का डेप्रिसिएशन हो जाएगा, जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीना का डेप्रिसिएशन हो जाएगा। सो 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 10,000 × 12/12 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आता है 10,000, मतलब मशीन वन के ऊपर पहला साल 10,000 का डेप्रिसिएशन होगा ऑन M2, मशीन टू, ठीक है, ओ सॉरी 20% था ना, हाँ 20% था,
मेजोरिटी से हमने 10% दिया रहता, 10% याद आ गया था, 20% दिया हुआ है, ठीक है, 1 लाख का 20% ले लिए। मशीन टू देखो कितना है, 60,000 का है, मशीन टू 60,000 का है, 60,000। डेप्रिसिएशन का रेट 20% है, और 1 जून का 1 तारीख को हमने मशीन टू परचेज किया है, जून का 1 तारीख को मशीन टू परचेज किया है, तो जून का 1 तारीख से लेकर 31 दिसंबर तक 7 महीना का डेप्रिसिएशन हो जाएगा, 7 मंथ्स इंटू 7/12, तो 60,000 का 20% हो जाएगा 12,000 टू 7/12 विल बी 7,000, सो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा 27,000, टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा 27,000। तो हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया 27,000। डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस होता है, इसलिए जर्नल एंट्री क्या होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, एंड ड्यू टू डेप्रिसिएशन एसेट का वैल्यू, मशीन का वैल्यू कम हो जाता है, एसेट का डेबिट बैलेंस, एसेट डिक्रीज हो जाएगा तो एसेट को क्रेडिट कर देते हैं, तो जर्नल एंट्री हो गया डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, मशीनरी का पोस्टिंग आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन, कितना 27,000। अब फटाफट फर्स्ट ईयर का ये लेजर को बैलेंसिंग कर देंगे, दिसंबर 31st बाय बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर। तो अगर हम लोग फर्स्ट ईयर का लेजर को बैलेंसिंग करें तो ये आ रहा है 1,60,000, और 1,60,000 में तो 27,000 माइनस, तो ये आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी 1,33,000, 1,33,000 बाय बैलेंस सीडी आ जाएगा 1,33,000। फिर से एक बार बता रहे हैं, देखो क्वेश्चन में पहला मशीन कितना तारीख को परचेज किया, 1 जनवरी 2016 में, कितने में परचेज किया, 1,00,000 में, तो 1 जनवरी को मशीन परचेज किया, ईयर एंडिंग कब है 31 दिसंबर, तो पहला मशीन के ऊपर कितना महीना का डेप्रिसिएशन, पूरा 12 महीना, क्लियर। सेकेंड मशीन कब परचेज किया, 1 जून को, कितना का मशीन था, 60,000 का मशीन था, 60,000 का मशीन था, तो सेकेंड मशीन के ऊपर 2016 में डेप्रिसिएशन कहां से होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज, दैट इज 1st जून, 1st जून से लेकर ईयर एंडिंग 31 दिसंबर तक, 7 मंथ्स। जनरली एक कंफ्यूजन आता है एग्जाम में, जून से दिसंबर जनरली सारा स्टूडेंट सोचते हैं 6 महीना होता है, बट हमको काउंट करेंगे अगर देखेंगे जून का एक तारीख से तो कैसे काउंट करेंगे, पहले का 5 महीना छोड़ दो, 12 में 7, 5 चला गया तो 7 महीना बचेगा, या फिर काउंट कर लो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, क्लियर, ओके। तो हमने अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, 1,00,000 के ऊपर 20% हिसाब से पूरा साल का डेप्रिसिएशन 20,000, और 60,000 के ऊपर 20% हिसाब से 7 महीने का डेप्रिसिएशन 7,000, कुल मिला के टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है 27,000। तो 27,000 हमने पुट कर दिया और बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया, कि बैलेंसिंग फिगर कैसे आया है, 1,00,000 प्लस 60,000, टोटल की 1,60,000 आया जो हेवी साइड है, उसमें 27,000 27,000 ने माइनस कर दिया, तो रिमेनिंग बैलेंस आ रहा है क्लोजिंग WDV, दोनों मशीन को मिला के क्लोजिंग WDV फर्स्ट ईयर का एंड में आ रहा है 1,33,000, यही बन जाएगा नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग WDV, क्लियर। तो क्या करेंगे, ये सम्स को कंटिन्यू करते हुए, ठीक है, सेकंड ईयर का लेजर बनाएंगे ठीक इसके नीचे, सेकंड ईयर का लेजर बना देंगे ठीक इसके नीचे, 2017 जनवरी का 1 तारीख 2 बैलेंस BD, 2 बैलेंस BD, अकॉर्डिंगली यहाँ पे बैलेंस पुट कर देंगे, कितना होगा बैलेंस 1,33,000, तो जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस था उसको हमने पुट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ 2 बैलेंस BD। अब चेक करो 2017 में 1 मार्च को हमने एक मशीन सेल किया है, 2017 में 1 मार्च को हमने क्या किया है, एक मशीनरी को सेल किया है, कितना में सेल किया है, 50,000 में, और जो मशीन सेल हो रहा है वो कब परचेज हुआ था, 1st जून 2016 में, जो मशीन सेल हो रहा है वो कब परचेज हुआ था, 1st जून 2016 में, ठीक है, 1st जून 2016 में परचेज हुआ था, कितना परचेज हुआ था, 60,000 में, 60,000, जो मशीन सेल हो रहा है उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना, 60,000, किस डेट पे, 1 जून 2016, ठीक है, 1 जून 2016,
सिमिलरली जो मशीन सेल हो रहा है उसका सेल प्राइस कितना, सेल प्रोसीड कितना, 50,000। ये किस डेट का है? 1 मार्च 2017। मतलब 1 जून 2016 में हमने जो मशीन परचेज किया था उसको हमने 1 मार्च 2017 में सेल आउट कर दिया, बेच दिया। 1 जून 2016 में, ठीक है, 2016 का जून में हमने जो मशीन परचेज किया था, जो सेकंड मशीन परचेज किया था 60,000 में, उसको हमने बेच दिया है। कितना तारीख को बेच दिया? 1 मार्च 2017 में बेच दिया है। तो जून 2016 से लेके फरवरी 2017, वही फरवरी 2017, बिकॉज मार्च का तो एक तारीख है उसको काउंट नहीं करेंगे। तो जून 2016 से लेके फरवरी का 2017 तक कितना मंथ होगा? जून से लेके दिसंबर तक 7 मंथ्स, एंड वहां पे जनवरी फरवरी 2 महीना, 9 मंथ्स हो जाएगा। ये 9 मंथ्स का आपको पहले डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा कैलकुलेट करके। जो मशीन सेल हो रहा है वो कितना है परचेज हुआ था? 60,000। जो मशीन सेल हो रहा है उसका सेल प्राइस कितना है, सेल प्रोसीड कितना है? 50,000। तो 60,000 ओरिजिनल कॉस्ट है, जो मशीन सेल हो रहा है उसका ओरिजिनल कॉस्ट 60,000 है। तो वहां से हम लोग क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। कितना महीने का? जून से लेके फरवरी का एंड तक, ठीक है, 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। माइनस करने पे क्या मिलेगा हमको? WDV, रिटेन डाउन वैल्यू। रिटेन डाउन वैल्यू से हम लोग सेल प्राइस को कंपेयर करेंगे तो हमको मिलेगा प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ है। बट बिफोर दैट हम लोग क्या करेंगे? वर्किंग नोट वन को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, वर्किंग नोट वन को कंटिन्यू करते हैं। ये हमने हेडिंग दिया था कैलकुलेशन फॉर डेप्रिसिएशन, इसको कंटिन्यू करते हुए ये जो हमने डेप्रिसिएशन निकाला था, यहाँ पे सामने लिख देना, ये जो 27,000 हमने डेप्रिसिएशन निकाला था ना, इसके सामने लिख देना डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। मतलब ये जो डेप्रिसिएशन निकला था 27,000, इसके सामने लिख दो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। ठीक, यही वर्किंग नोट वन में कंटिन्यू करते हुए इसी के नीचे लिखेंगे हम लोग। इस वर्किंग नोट वन को कंटिन्यू करते हुए डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 27,000 आ गया है। ठीक, इसके नीचे कंटिन्यू करते हुए लिखेंगे, लिखो वर्किंग नोट वन कंटिन्यू करते हुए लिखेंगे, लिखो ऑन M1 क्या मशीन वन सेल आउट हुआ? नहीं, मशीन वन सेल आउट नहीं हुआ है। और ये मेथड कौन सा है? WDV मेथड, रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। तो देखो मशीन वन खरीदा कितने में था? मशीन वन खरीदा था 1,00,000 रुपया में, ठीक है, मशीन वन खरीदा था 1,00,000 रुपया में। और फर्स्ट ईयर उस पर डेप्रिसिएशन कितना हुआ था? फर्स्ट ईयर कितना डेप्रिसिएशन हुआ था? 20,000, है ना, 20,000 का डेप्रिसिएशन हुआ था 20% हिसाब से। और सेकेंड मशीन पर डेप्रिसिएशन कितना निकाले थे? 7,000। क्लियर? मशीन वन कितना में खरीदा था? 1,00,000 रुपया में 1 जनवरी 2016 को। और 2016 में कितना डेप्रिसिएशन हुआ था इसके ऊपर? 20,000। तो ये मशीन वन का ओरिजिनल कॉस्ट है और ये 2016 का डेप्रिसिएशन है मशीन वन का। ये मशीन वन का ओरिजिनल कॉस्ट और ये 2016 का डेप्रिसिएशन। तो ओरिजिनल कॉस्ट से जब हमने डेप्रिसिएशन माइनस किया तो हमको मिल गया WDV। इसका मतलब फर्स्ट ईयर के एंड पे मशीन वन का WDV कितना था? 80,000। फर्स्ट ईयर के एंड पे मशीन वन का WDV कितना था? 80,000। फर्स्ट ईयर का एंड इज इक्वल टू सेकंड ईयर का बिगनिंग। जो फर्स्ट ईयर का एंड है वही सेकंड ईयर का बिगनिंग है। जो 31 दिसंबर 2016 है वही 1 जनवरी 2017 है। जो फर्स्ट ईयर का एंड है वही क्या है? सेकंड ईयर का बिगनिंग है। तो तुम देखो मशीन वन हमने परचेज किया था 1 जनवरी 2016 में, कितना है परचेज किया था? 1,00,000। 2016 में कितना डेप्रिसिएशन हुआ था उसके ऊपर? 20,000। तो साल के एंड में, फर्स्ट ईयर के एंड में मशीन वन का WDV कितना था? 80,000। फर्स्ट ईयर के एंड में मशीन वन का WDV 80,000, या फिर सेकंड ईयर के बिगिनिंग में मशीन वन का WDV 80,000। इसके ऊपर कितना परसेंट डेप्रिसिएशन चार्ज करना है? 20%। इसके ऊपर कितना परसेंट डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? 20%। 20% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और क्या हमने फर्स्ट मशीन बेचा है? नहीं, ये पूरा साल चलेगा। तो पूरा साल चलेगा तो इसके ऊपर 12 महीने का डेप्रिसिएशन। सो 1,00,000 में से 20,000 माइनस करेंगे तो आएगा 80,000। 80,000 का 20% निकालेंगे कैलकुलेटर, 16,000। तो ये डेप्रिसिएशन कितना कैलकुलेट हो गया? 16,000। फिर से बता रहे हैं, पहला मशीन खरीदा था 1 जनवरी 2016 में, 2016 में पूरा 12 महीने का डेप्रिसिएशन 20,000 माइनस हो जाएगा। तो फर्स्ट मशीन का WDV एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर या फिर बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर कितना है? 80,000। 80,000 का कितना परसेंट? 20%। तो आएगा 16,000। 16,000 का 12 महीना का डेप्रिसिएशन इसलिए क्योंकि 2017 में मशीन बेचा नहीं है, पूरा साल चला है। क्लियर? बट सेकेंड मशीन देखो, M2
सेकेंड मशीन तो बेच दिया ना, सेकेंड मशीन को 1 मार्च 2017 में बेच दिया है, 1 मार्च 2017 में सेकेंड मशीन बिक गया है। तो सेकेंड मशीन कितना में परचेज किया गया था, 60,000 में परचेज किया गया था। सेकेंड मशीन को हम लोगों ने कितना में परचेज किया था, 60,000 में परचेज किया था। कितना तारीख को परचेज किया था, 1 जून 2016 में, 1 जून 2016 में। और 2016 में ईयर 2016 में इस पे कितना डिडक्शन हुआ था, 7000। ईयर 2016 में इस पे कितना डिडक्शन हुआ था, 7000। 60,000 में मशीन परचेज किया था, सेकेंड मशीन हमने 60,000 में परचेज किया था। ईयर 2016 में कितना डिडक्शन हुआ है, 7000। तो 60,000 का कॉस्ट, 7000 का डेप्रिसिएशन, 60,000 का कॉस्ट, 7000 का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो आ जाएगा रिटेन डाउन वैल्यू, कितना आ रहा है, 53,000। मशीन टू का WDV आ रहा है 53,000 एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर या फिर बिगनिंग ऑफ द सेकेंड ईयर। फर्स्ट ईयर के एंड में या फिर सेकेंड ईयर के बिगनिंग में, या तो फर्स्ट ईयर का एंड बोल लो या तो सेकेंड ईयर का बिगनिंग बोल लो, कितना आ रहा है, 53,000। 53,000 के ऊपर कितना परसेंट, 20% डेप्रिसिएशन का रेट है। और कितना तारीख को हमने सेकेंड मशीन भेज दिया, 1 मार्च। कितना तारीख को हमने 2017 में फर्स्ट सेकेंड मशीन भेज दिया, 1 मार्च। मतलब 2017 में सेकेंड मशीन जनवरी में था, फरवरी में था, बट मार्च से नहीं था, तो 2 महीना का ही डेप्रिसिएशन होगा। क्योंकि हमने सेकेंड मशीन 1 मार्च को बेच दिया, इसलिए 2017 में सेकेंड मशीन के ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो 2 महीना के लिए कैलकुलेट होगा, ओनली फॉर जनवरी एंड फरवरी। तो 60,000 उसका ओरिजिनल कॉस्ट है, 7,000 उसका डेप्रिसिएशन है फॉर द ईयर 2016। तो 53,000 उसका क्या आ रहा है, WDV आ रहा है। 53,000 का WDV है मशीन 2 का एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2 या फिर एंड ऑफ ईयर 1। ठीक है, मतलब 1 जनवरी 2017 में मशीन 2 का WDV था 53,000। डेप्रिसिएशन का रेट कितना है, 20%। तो 53,000 का 20% इनटू 2/12 कितना आ रहा है, 1767। 53,000 क्या है, WDV है, मशीन 2 का WDV है एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2, एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 2। डेप्रिसिएशन का रेट कितना है, 20% है। और 2 महीने का डेप्रिसिएशन क्यों आया, बिकॉज जनवरी एंड फरवरी 2 महीना। 1 मार्च को हम लोग सेल कर देंगे मशीन, तो मार्च का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होगा। और तुम देखो 1 मार्च को हम एक और मशीन परचेज कर रहे हैं, नया मशीन M3। सेम डे पे कंपनी एक नया मशीन परचेज कर रहा है, ठीक है। कितने का मशीन है, 54,000 का मशीन है, वही डेप्रिसिएशन का रेट 20% रहेगा। और 1 मार्च से लेके 31 दिसंबर तक, मार्च से लेके दिसंबर तक कितना महीना होगा, 10 महीना। जनवरी फरवरी छोड़ दो, मार्च से लेके दिसंबर तक, मार्च से दिसंबर तक कितना महीना, 10 महीना। तो 10 महीना का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे, 54,000 का 20% इनटू 10/12, 54,000 का कितना आ रहा है, 9,000। 54,000 का 20% इनटू 10/12 कम्स टू 9,000। एंड इस तरह से हम लोग टोटल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे फॉर द ईयर 2017। टोटल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे फॉर द ईयर 2017 कितना आ रहा है, 26,767। इस तरह से हम लोग टोटल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिए, 26,767। क्लियर है, ये हम लोग को ईयर 2 का डेप्रिसिएशन मिल गया। और हमारा वर्किंग नोट 1 खत्म। वर्किंग नोट 1 का हेडिंग क्या था, कैलकुलेशन फॉर डेप्रिसिएशन। इस 26,767 के सामने लिख दो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। ये हम लोग को निकल गया डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। मतलब मशीन 1 एंड मशीन 2 के ऊपर 2017 में कितना डेप्रिसिएशन हो गया, 26,767 कितना डेप्रिसिएशन हो गया। क्लियर, ये ऐसा करने में हमारा वर्किंग नोट 1 खत्म हो गया। वर्किंग नोट 1 में हमको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना था, हम लोगों ने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया। अब हमको ये पता करना है कि मशीन 2 जो हमने सेल किया उसको सेल करके प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो उसके लिए बनाएंगे हम लोग वर्किंग नोट 2। वर्किंग नोट 1 के नीचे बनाएंगे वर्किंग नोट 2, हेडिंग दे देंगे कैलकुलेशन फॉर प्रॉफिट ऑब्लिक
लॉस कैलकुलेशन फॉर प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन कैलकुलेशन फॉर प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन टू जो हमने सेल कर दिया उसको बेच के प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ठीक है। तो पर्टिकुलर्स और एक अमाउंट का कॉलम, पर्टिकुलर्स और एक अमाउंट का कॉलम। तो सबसे पहले जो मशीन बिक रहा है सेकेंड मशीन, उसका ओरिजिनल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। ओरिजिनल कॉस्ट ऑन 1 जून 2016 जो सेकेंड मशीन बिक जा रहा है उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, 1 जून 2016 में उसका ओरिजिनल कॉस्ट है 60,000। जो सेकेंड मशीन सेल आउट हो जा रहा है उसका ओरिजिनल कॉस्ट कितना है, 1 जून 2016 को कितना है, 60,000। क्लियर। लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% फॉर सेवन मंथ्स। क्लियर। फॉर सेवन मंथ्स, क्यों सेवन मंथ्स, बिकॉज 1 जून 2016 में खरीदा था मशीन और ईयर एंडिंग का पूरा 31 दिसंबर। 1 जून 2016 में खरीदा था मशीन और ईयर एंडिंग का पूरा 31 दिसंबर। ये स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं है इसलिए हम लोग जंप नहीं कर सकते एक बार में, हम लोग को ईयर बाय ईयर जाना पड़ेगा, ईयर ऑन ईयर बेसिस, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% फॉर सेवन मंथ्स, दैट इज फ्रॉम 1 जून 2016 से लेके 31 दिसंबर 2016। 1 जून 2016 से लेके 31 दिसंबर 2016। तो 60,000 का मशीन है, डेप्रिसिएशन का रेट 20% है, इनटू 7/12 तो कितना आ जा रहा है, क्लियर। वाई 7/12 बिकॉज हमको ईयर ऑन ईयर बेसिस जाना है, हम लोग एक बार में जंप नहीं कर सकते WDV मेथड में, हम डेप्रिसिएशन WDV पे कैलकुलेट करते हैं, तो हमको ईयर बाय ईयर जाना है। इसलिए हम लोगों ने पहले 2016 का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जो कि आ रहा है 7,000। तो हमारे पास आ गया 53,000। ये हो गया हम लोग का रिटेन डाउन वैल्यू, ये आ गया हम लोग का रिटेन डाउन वैल्यू एज ऑन 1 जनवरी 2017। ये हम लोग का आ गया रिटेन डाउन वैल्यू एज ऑन 1 जनवरी 2017। क्लियर। तो हमने क्या किया, ओरिजिनल कॉस्ट ऑन 1 जून 2016 पहले लिया, 1 जून 2016 को जो मशीन बिक रहा है वो 1 जून 2016 में परचेज हुआ था, कितना में, 60,000 में। उसका डेप्रिसिएशन कितना परसेंट करके है, 20% के हिसाब से है। 7 मंथ्स क्यों आया, बिकॉज 1 जून से लेके 31 दिसंबर तक 7 महीना होता है, वो बात हमने यहाँ पे लिख भी दिया है। 1 जून 2016 से 31 दिसंबर 7 महीना का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, 7,000 आया। ओरिजिनल कॉस्ट 60,000 में से 60,000 में 7,000 माइनस कर दिए तो WDV आ गया रिटेन डाउन वैल्यू एज ऑन 1 जनवरी 2017। इसी चीज के नीचे कंटिन्यू करेंगे, इसको मिटा के लिख रहे हैं, इसी चीज के नीचे कंटिन्यू करना है, रिटेन डाउन वैल्यू एज ऑन 1 जनवरी 2017। 53,000 आया था, 53,000। अब क्या करेंगे, 1 मार्च को हमने मशीन सेल कर दिया। तो अभी हम लोग कहां पे खड़े हैं, 1 जनवरी 2017 में। यहां से और 2 महीना का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, लिखो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% फॉर 2 मंथ्स ऑन WDV
फ्रॉम 1 जनवरी 2017 से लेके 1 मार्च 2017। सो 1 जनवरी 2017 से लेके 1 मार्च 2017 दो महीना होता है। सो 53,000 का 20% इनटू 2 बाय 12 कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 1767। सो 53,000 में से 1767 माइनस कर दो, 53,000 में से 1767 माइनस कर दो, तो आ जाएगा रिटेन डाउन वैल्यू एज ऑन 1 मार्च 2017। रिटेन डाउन वैल्यू एज ऑन 1 मार्च 2017 कितना आ रहा है, 51233। मतलब 51,233 रिटेन डाउन वैल्यू एज ऑन 1 मार्च 2017 कितना आ गया, 51,233। और चेक करो क्वेश्चन ने बताया है ये मशीन हमने कितने में सेल किया है, लेस कर दो सेलिंग प्राइस, कंपेयर कर दो सेलिंग प्राइस WDV के साथ। सेलिंग प्राइस किस डेट का है, 1 मार्च 2017। WDV भी किस डेट का ले लिए, 1 मार्च 2017। याद रखना प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए जिस डेट का सेलिंग प्राइस है WDV भी उसी डेट का चाहिए, सेम डेट का। तो सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 50,000। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 50,000, तो माइनस कर दो 1,333, 51,233 का मशीन हमने 50,000 में बेच दिया है, तो ये 1,233 का प्रॉफिट है कि लॉस है, लॉस ऑन सेल है, ये 1,233 का लॉस ऑन सेल है, क्लियर। ये क्या आ रहा है, 1,233 का लॉस ऑन सेल, क्लियर। अब हम लोगों ने दो वर्किंग नोट कंप्लीट कर लिया, पहला वर्किंग नोट हमने बनाया था फॉर डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन, दूसरा वर्किंग नोट हमने बनाया था फॉर प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। अब हमको क्या करना है कि इस सम्स में लेजर में इसको हमको पोस्ट कर देना है, सारा पोस्टिंग्स कर देना है और फिर सम्स खत्म हो जाएगा। तो अब आते हैं पोस्टिंग में, आ जाते हैं सम्स में, आ जाओ। देखो 2017 मार्च का 1 तारीख को इसने एक नया मशीन परचेज किया है, मशीन परचेज करने का जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो मशीनरी का लेजर में लिख देंगे टू बैंक, नीचे डैश देके M3। कितने में परचेज किया है नया मशीन, कितने में परचेज किया है, 54,000। इसने नया मशीन परचेज किया है 54,000, ठीक है, नया मशीन कितने परचेज किया है, 54,000। उसके बाद देखो 2017 दिसंबर मार्च का 1 तारीख, 2017 मार्च का 1 तारीख एक मशीन हमने सेल कर दिया था, बेच दिया था। जब मशीन बेच दिया तो पैसा आया, पैसा आने से बैंक का बैलेंस बढ़ गया, तो बैंक डेबिट और मशीन एसेट चला गया, एसेट क्रेडिट। जर्नल एंट्री क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। तो मशीनरी का लेजर हम लिख देंगे बाय बैंक, मशीनरी का लेजर हम लिख देंगे बाय बैंक, नीचे डैश देके सेल प्रोसीड्स, बाय बैंक नीचे डैश देके सेल प्रोसीड्स। कितना में बेचा है, 50,000 में। कितना बिका है मशीन, 50,000 में, ठीक है, मशीन बिका है 50,000 में। इस मशीन को बेच के प्रॉफिट लॉस भी हुआ है, याद रखना प्रॉफिट या लॉस पीएल में ट्रांसफर होता है, एंड पीएल कब बनता है, साल के एंड में, इसलिए लॉस का जो पोस्टिंग है ना वो ईयर एंडिंग पे आएगा। प्रॉफिट या फिर लॉस होता है जब मशीन सेल करके, तो सच प्रॉफिट या फिर लॉस कहां ट्रांसफर होता है, पीएल में, और पीएल कब बनता है, साल के एंड में। तो ये जो लॉस आएगा या जो भी प्रॉफिट आएगा वो कहां पे हम लोग किस डेट पे उसका पोस्टिंग करेंगे, ईयर एंडिंग में, December 31st। तो December 31st में लिख देंगे बाय पीएल, नीचे डैश देके लिख देंगे लॉस ऑन सेल, ब्रैकेट में लिख देंगे वर्किंग नोट टू, वर्किंग नोट टू। तो देखो वर्किंग नोट टू बना के लॉस आया था 1,233 का लॉस आया था, क्लियर। इसके अलावा हमने वर्किंग नोट वन में 2017 का टोटल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था, हमने वर्किंग नोट वन में 2017 का टोटल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था, जो कि कितना आया था 27,767। नाउ डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट
एंड ड्यू टू डेप्रिसिएशन मशीन का वैल्यू कम हो जाता है, तो मशीनरी क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री हो गया डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, तो मशीन का लेजर में आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन। बाय डेप्रिसिएशन ब्रैकेट में लिख देंगे वर्किंग नोट वन, वर्किंग नोट वन कितना आया था 27,767। बस अब बैलेंसिंग कर देंगे इस लेजर को, इस लेजर को बैलेंसिंग कर देंगे, दिसंबर 31 में बैलेंसिंग कर दो। डेबिट साइड हैवी है तो डेबिट साइड को ऐड कर दो, क्रेडिट साइड माइनस कर दो। तो ये आ जा रहा है 1,33,50, 1,83,000, 1,87,000 टोटल मिल देंगे 1,87,000। ये रॉन्ग है क्या, कितना आ रहा है 26,000 है, ठीक है 26,767, ठीक है 26,767। सो 1,87,000 में से इन सबको माइनस करो, बताओ कितना आ रहा है 1,09,000। तो इसको हम लोग लिख देंगे बाय बैलेंस सीडी ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, बाय बैलेंस सीडी ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। तो क्वेश्चन में बताया गया था कि दो ही साल का लेजर बनाना है, तो दो साल का लेजर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, इसके साथ हमारा आंसर भी कंप्लीट हो गया है। होपफुली ये समझा था, समझ में आ गया होगा, सम्स अगर समझ में आ गया है तो इसको वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जुड़े रहिए हमारे साथ, नए नए कंटेंट आते रहेंगे चैनल में। टिल देन गुड बाय।